हाय गाइस, तो है आज का मेरा पहला व्लॉग। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यार एक व्लॉग क्यों ना स्टार्ट किया जाए और आप लोगों को जिससे मैं और चीज़ें बता सकूं। तो मैं आया हूं अपने एक फ्रेंड के भाई की, मेरा भी भाई, उसकी एक एंगेजमेंट पर। तो आइए मैं उसको थोड़ा सा आपको एक एक्सटीरियर दिखाता हूं कि अगर आप अपने लैंडस्केपिंग में या आप आउटडोर एरिया में कुछ काम कराना चाह रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सटीरियर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये एक फाउंटेन है, मैं थोड़ा सा वाइड एंगल कैमरा पे दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली बनता है एक अपनी फाइबर शीट से। ये जितने भी पिलर्स हैं ये सारे एक बेसिकली सेट है और ये सारा जो बनता है वो फाइबर से बनता है। अगर मैं इसके पास ले जाके आपको नॉक करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारा एक डमी सेट होता है। देखो, अब आवाज़ सुन पा रहे हो, ये सारा फाइबर होता है, मॉडल है। जैसे अगर हम बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो उसमें सारा ये फाइबर से ही काम होता है, बड़े बड़े जो सेट्स बनते हैं। अभी देखो, वाइट फैमिली मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सुंदर लगता है। देखो, वाइट फैमिली आता है वाइट और ग्रीन का, देख पा रहे हो आप, हाई राइज पिलर्स हैं जो डमी के बने हैं, ब्रिक क्लैडिंग्स हैं, देख रहे हो, ये अगेन सारा वाइट फैमिली का काम होता है। ये एंटीक फॉर्मेट में रखा गया है इस थीम को, जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो बेसिकली इस एरिया के अंदर जो भी ये थीम को सेट किया वो बहुत सुंदर है, जो कि चेयर्स का अगर आप देख सकते हो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और पिलर्स का डिज़ाइन जो बेसिकली महाराजाओं वाला फील देने की कोशिश किया बहुत बखूबी निभाया। और जल्दी अगर आप लोग कमेंट में डालोगे तो इसकी कॉस्टिंग मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अभी अगर आप मेरे पीछे वॉल देख पा रहे हो तो बेसिकली ये भी एक फाइबर शीट की बनी हुई डमी वॉल है। अगर आप इसे अपने घर में बनाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट वो फाइबर से नहीं, वो MDF से बनेगी। सेम ये चीज़ CNC कटिंग मशीन में बन सकती है। रेफरेंस के लिए मैं फ़ोटोज़ आपको दे देता हूँ। तो ये देखो, अब मैं आपको, अगर बेसिकली ये बनता है, इसका कलर में भी हो सकता है मोबाइल की वजह से कुछ और दिख रहा हो, बट अगेन ये बहुत सुंदर कलर यहाँ पे हो रखा है। इट्स काइंड ऑफ ब्लू फैमिली का है, लेकिन अगेन ब्लू नहीं करेंगे, बहुत ही पेस्टल ब्लू है। जैसे कि अगर हम किसी सी को देखते हैं, जैसे अंडमान या मालदीव्स के सी देखा होगा, जहाँ बिल्कुल लाइट, जिसमें आपको विजिबल होता है पानी थोड़ा सा, तो वो आपको वहाँ दिखाई देता है और काफ़ी अच्छा कलर। तो ये है, बाकी मैं अब आप इसको एक रिसेप्शन एरिया पर लेके चलता हूँ, जो कि अगेन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट अगेन काम जिसने भी किया अच्छा किया। तो एक थीम सेट करना बहुत ज़रूरी है, काम अच्छा है, सुंदर है, बट अगेन जो मैं बार बार कहता हूँ, एक थीम सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप आइए, मैं आपको वो एरिया दिखाता हूँ। तो ये है उसका रिसेप्शन का एरिया, और ये है हमारा छोटा भाई, और ये हमारे चाचा जी का लड़का है। और तो अब आप, मैं आपको लेके चलता हूँ रिसेप्शन एरिया पे। कौन सी क्लास में है? हाँ, ये 6th क्लास में है। तो अब मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ इंटीरियर। तो ये देखो, ये है, अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि 20 फुट की हाइट पे पीच कलर की थीम देने की है, बट यहाँ पे थीम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ ये पूरी फील, अगर मैं वाइड एंगल पे शो करूँ आपको, तो नीचे पीच है, उसी के ऊपर पीच कलर का कुछ हाईलाइटर डाला गया है, पीच कलर का ही कुछ और डाल दिया है। तो बेस हाईलाइट करने वाली थी वो हाईलाइट नहीं हुई है और थोड़ा सा दब गया है। लेकिन अगर अंदर एरिया में जाते हैं, जो कि एक हॉल एरिया या डाइनिंग एरिया है, उस एरिया को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है। वो मैं आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई अपने वॉल पे हैंडीक्राफ्ट या आर्टिक्राफ्ट अगर लगाने वाले हैं तो उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख सकते हो, तो अगर ये पॉइंट आप देखोगे तो देख रहे हो इसमें एक पर्टिकुलर आइटम है जिसको अलग से लगा के दिखाया गया है। और ये देखो, तो ये देख रहे हो अलग से एक जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट वाला है, ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली अलग से हाईलाइट। एक छोटा सा पॉइंट है, गेम पॉइंट, जिसमें आपको ये बताना है कि ये क्या चीज है। अगर आपने फिनिश बता दी क्या चीज है तो फिर आपके लिए एक बोल।